लोग जो है इतना टाइम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन को लगा देते हैं, तो 2 मिनट का खेल भी नहीं है। आप हमेशा बर्थ टाइम रेक्टिफाई करते हैं, उसका ध्यान रखिएगा कि कौन सा आदमी बोल कैसा रहा है वो उसका दूसरे भाव का सबलॉट बताएगा, कौन सा आदमी की हैंडराइटिंग कैसी है वो लिखता कैसा है वो थर्ड भाव का सबलॉट बताएगा, कौन से आदमी की गाड़ी कौन से रंग की है वो फोर्थ कस्पल सबलॉट बताएगा, कौन सा आदमी एंटरटेनमेंट किस तरह का पसंद करता है उसे मजा किस चीज में आता है ये पंचम का सबलॉट बताएगा, कौन से आदमी किस प्रकार की सर्विसेज दे रहा है या कौन से आदमी को रोग कौन से प्रकार के हैं वो छठे कस्प का सबलॉट बताएगा, कौन से आदमी का पार्टनर कैसा है या लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर वो सप्तमे का सबलॉट बताएगा, कौन से आदमी को कष्ट किस प्रकार के आ रहे हैं वो अष्टम का सबलॉट बताएगा, कौन से आदमी किस विषय में गहराई प्राप्त करना चाहता है उसका जुड़ाव मन से किसके साथ है वो नौवें का सबलॉट बताएगा, कौन सा आदमी व्यापार किस तरह का करेगा धंधा किस तरह करेगा वो दसवें का सबलॉट बताएगा, कौन सा आदमी किन चीजों को करने से लाभ प्राप्त कर सकता है वो ग्यारहवें का सबलॉट बताएगा, कौन सा आदमी किस चीज पे खर्च करता है ये बारहवें का सबलॉट बताएगा। तो इतनी सी बात है कि यदि आपके सबलॉट आपस में मैच नहीं कर रहे, बारहवें का सबलॉट यानी कि खर्च का सबलॉट, और वो खर्च आप मान लीजिए बारहवें का सबलॉट शुक्र है, तो आपके जो शौक होंगे वो महंगी चीजों को खरीदने के होंगे, आपका जो बारहवें का सबलॉट है वो बुध के साथ कनेक्टेड है तो आप सबसे ज्यादा मोबाइल फोन पे खर्च करोगे कि मुझे ये मोबाइल फोन चाहिए, तो इतना सरल है। देखने का दृष्टिकोण, देखने का दायरा बढ़ा लीजिए, इतना सा सरल है ये बात एस्ट्रोलॉजी।